दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के विवादास्पद बयान को लेकर एकजुट विपक्ष ने लगातार दूसरे दिन संसद में सरकार पर दबाव बनाते हुए भारी हंगामा किया। विपक्ष ने मंत्री को बर्खास्त करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में सफाई देने की मांग की। सरकार ने कहा कि मंगलवार को मंत्री द्वारा इस मुद्दे पर खेद जताए जाने के बाद ये मामला समाप्त हो जाना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए कहा कि साध्वी निरंजन ज्योति के इस्तीफे का सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई मंत्री या कोई सदस्य ने कुछ कहा जो आपत्तिजनक है, उसके बारे में अपना खेद व्यक्त किया और माफी मांगा, इश्यू वहीं समाप्त होता है। ये पार्लियामेंट्री परंपरा है। इतना साल से जो पार्लियामेंट में जो भी होते रहा, और बहुत बार सदस्यों ने बहुमत में आके नहीं तो कुछ कहे फिर बाद में विचार व्यक्त किया, ऐसा बहुत अनुभव है। मेरा कांग्रेस वालों को कहना, हमेशा ऐसा इश्यू रेज करना फिर बाद में सेल्फ गोल, ये क्यों बार बार कर रहे हैं? हर एक दिन सेल्फ गोल आपके लिए भी अच्छा नहीं है। सदन चलने दीजिए, सदन में बहस में भाग लीजिए, इश्यू मुद्दे के ऊपर अपना बात रखिए और जवाब सरकार देने के लिए तैयार है। क्योंकि सदन को नहीं चलने देना और जो जनता का समस्याओं का चर्चा करने में अड़ंगे डालना, ये विपक्ष के लिए मुख्य रूप में कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट लोग इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए।